और अब प्रयागराज से बड़ी जानकारी मिल रही है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है। सीबीआई की टीम आज भी प्रयागराज में मामले की पड़ताल कर सकती है। कस्टडी में लिए गए आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से आज भी हो रही है पूछताछ। संदीप तिवारी के मोबाइल फोन से ऑडियो क्लिप बरामद नहीं कर सकी अब तक सीबीआई। और सूत्रों के मुताबिक संदीप के मोबाइल में महंत नरेंद्र गिरी के बारे में बातें करते हुए एक ऑडियो क्लिप था, लेकिन वो क्लिप सीबीआई की टीम बरामद नहीं कर पाई है। बड़ी खबर, सूत्रों के मुताबिक संदीप तिवारी के मोबाइल फोन में महंत नरेंद्र गिरी के बारे में बातें करते हुए एक ऑडियो क्लिप था, जिसे अभी भी सीबीआई बरामद नहीं कर पाई है। इसे बाद में डिलीट कर दिया गया था। इस ऑडियो क्लिप को सीबीआई की टीम अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। सीधा आपको प्रयागराज लिए चलते हैं और ज्यादा अपडेट्स के लिए मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस सारे घटनाक्रम पर, सीबीआई की जांच पर, पूछताछ पर बहुत पैनी निगाह रखे हुए हैं। मोइन, संदीप तिवारी के मोबाइल फोन में कौन सा ऑडियो क्लिप था, जो और संदर्भ क्या था उस ऑडियो क्लिप का, जिसे अभी तक सीबीआई रिकवर नहीं कर पाई है? आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई की एक टीम कल दोपहर को मुख्य आरोपी स्वामी आनंदगिरी को लेकर के हरिद्वार चली गई थी, जबकि जो दूसरी टीम बची हुई थी वो यहां पर लगातार पड़ताल कर रही है। दो आरोपी आद्या तिवारी और संदीप तिवारी, ये दोनों प्रयागराज में सीबीआई की कस्टडी में हैं। सीबीआई की टीम लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। इस बीच जब संदीप तिवारी का मोबाइल फोन खंगाला गया तो उसमें कई डाटा जो है वो डिलीट कर दिए गए थे। संदीप तिवारी ने मटके ही कुछ शिष्यों को कुछ एक ऑडियो क्लिप सुनवाया था, जिसमें वो खुद किसी से बात कर रहा था, महंत नरेंद्र गिरी के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें कर रहा था, अमर्यादित बातें कर रहा था। हालांकि सीबीआई की टीम को इसकी जानकारी तो मिली, लेकिन जब संदीप तिवारी का मोबाइल फोन खंगाला गया तो उसमें से ये डाटा रिकवर नहीं हो, उसमें ये डाटा नहीं था। अब सीबीआई की टीम किसी आईटी एक्सपर्ट को बुला करके जो डाटा डिलीट किया गया है उसे रिकवर कराने की कोशिश आज करेगी, ताकि उस ऑडियो क्लिप के बारे में भी जानकारी मिल सके। हालांकि पूछताछ में संदीप इस तरीके का किसी कोई भी ऑडियो होने से इनकार करता रहा। उसका कहना था कि वो जब बातें करता था तो चूंकि उसी हनुमान मंदिर से जुड़ा हुआ था जहां के महंत थे नरेंद्र गिरी, तो सिर्फ उनके बारे में बातें कर रहा था, वो कोई आपत्तिजनक बातें नहीं कर रहा था। तो सीबीआई की टीम आज आईटी एक्सपर्ट्स को बुलाएगी। आईटी एक्सपर्ट्स को बुला करके संदीप तिवारी के मोबाइल फोन से जो डाटा डिलीट किया गया है उसको रिकवर कराने की कोशिश करेगी, और अगर वो ऑडियो मिल जाता है तो कम से कम एक कड़ी जो है वो सीबीआई के टीम के हाथ लगेगी कि आखिर कितनी खुन्नस संदीप तिवारी और आद्या तिवारी महंत नरेंद्र गिरी से रखते थे, उनके बारे में क्या क्या बातें करते थे, किस तरह की साजिशें रची जाती थी, क्या कुछ सोचा जाता था उनके बारे में। तो अगर ऑडियो क्लिप सीबीआई की टीम को बरामद हो जाता है तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो है वो इस केस में साबित हो सकती है।